Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. फैमिली स्टार फाइनल लेग शूटिंग डिटेल्स. मृणाल ठाकुर और विजय देवरकोंडा स्टारर फैमिली स्टार रिलीज होने वाली है अप्रैल 6 को थिएटर्स में. एंड रिपोर्टेडली आज पूरी कास्ट एंड क्रू पहुंच गई है चेन्नई फिल्म की फाइनल स्केड्यूल की लास्ट लेग शूट करने. रिपोर्टेडली ये एक 1 वीक का स्केड्यूल है जिसके दौरान मृणाल एंड विजय शूट करेंगे. गेट रेडी फॉर मस्ती वंस अगेन. बॉलीवुड की मोस्ट एंटरटेनिंग फ्रेंचाइजेस मस्ती लौट रही है अपने 4th इंस्टॉलमेंट के साथ, जिसकी अनाउंसमेंट की आज मेकर्स ने. रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदसानी और विवेक ओबरॉय इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू करने वाले हैं. अक्षय और सलमान के साथ काम करने में क्या डिफरेंस है कटरीना के अनुसार. आज एक इंटरव्यू के दौरान कटरीना कैफ ने बात की अपने करियर के 2 मेजर हीरोज सलमान खान और अक्षय कुमार की वर्किंग स्टाइल्स के बारे में. अक्षय, थोड़ी लेट कॉल टाइम लो, ऐसे सुबह 6 बजे मत उठो, और सलमान, तुम सेट पर थोड़ा जल्दी आओ, इतना भी लेट नहीं, कहा कटरीना ने. सोनाक्षी सिन्हा ने अनाउंस की अपनी नेक्स्ट मूवी. पिछले साल दहाड़ से अपना OTT डेब्यू करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि वो नए जॉनरस एक्सप्लोर करना चाहती है, एंड उसी के चलते वो अब शूट करने वाली है एक अपकमिंग अनटाइटल्ड रोमांटिक थ्रिलर के लिए, जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होगी. गोलमाल फाई की अपडेट्स. इस साल के शुरुआत में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बताया था कि वो आने वाले 2 सालों में गोलमाल के 5th इंस्टॉलमेंट जरूर रिलीज करेंगे, और आज श्रेयस तलपड़े ने रिवील की गोलमाल फाई की कुछ डिटेल्स. इस फ्रेंचाइज में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाने वाले श्रेयस ने बताया कि फिल्म शायद अगले साल दिवाली पे रिलीज होगी. श्रेयस ने बताया कि एक्चुअली अजय देवगन और रोहित शेट्टी काफी टाइम से गोलमाल फाइव बनाना चाहते थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से उस पे हॉल्ट लग गया, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर ये प्रोजेक्ट फाइनली बड़े पर्दे पर आएगा. श्रेयस ने बताया कि गोलमाल उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में से एक है, एंड कास्ट हमेशा सेट पर काफी मस्ती करती है फिल्मिंग के दौरान. पिछले गोलमाल की बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे कोई भी अपना डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो सेट पर एक दूसरे को देख के हंस ही रहे थे. उन्होंने ये भी कहा कि कैसे पिछले कुछ सालों में कॉमेडी जॉनर में कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन क्लासिक्स जैसे गोलमाल और हाउसफुल आज भी रेलिवेंट है. वर्क फ्रंट पे डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिलहाल काम कर रहे हैं सिंगम अगेन पर, जो रिलीज होगी अगस्त में, जिसके बाद वो रिपोर्टेडली गोलमाल 5 पे काम शुरू करेंगे. अनंत और राधिका की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज अटेंड करने पहुंचे ये सेलेब्स. जामनगर में कल से शुरू हुई अनंत और राधिका की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज, जिसको अटेंड करने पहुंचे सलमान खान, जे ब्राउन, एडम ब्लैकस्टोन एंड रिहाना. रणबीर और आलिया भी कुछ घंटों पहले अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पे स्पॉट किए गए. शैतान का दूसरा गाना हुआ रिलीज. ट्रेलर में माधवन के कैरेक्टर को मिले अप्रिसिएशन के बाद आज मेकर्स ने रिलीज किया मूवी से ऐसा मैं शैतान गाना. गाना तो काफी इंटेंस है, जिसको और इंटेंस बना रहे हैं माधवन की सीन्स, जो येट अगेन ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है. योद्धा का ट्रेलर हुआ रिलीज. सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा का ट्रेलर आज रिलीज हुआ, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने पापा से इंस्पायर होके एक आर्मी ऑफिसर बनते हैं, लेकिन एक मिशन के बाद उन्हें सस्पेंड किया जाता है, जिसके बाद वो एक प्लेन को हाईजैक करते हैं. अब उन्होंने उस प्लेन को क्या सच में हाईजैक किया, और अगर किया तो क्यों, यही इस फिल्म का प्लॉट होने वाला है. इस फिल्म में सिड के पापा का रोल निभाने वाले हैं रौनित रॉय, जिनकी झलक दी गई है ट्रेलर में. सिड एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, एंड वो अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यही इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है. राशि खन्ना भी सिड की तरह एक ऑफिसर होती है, और इन दोनों के कुछ रोमांटिक स्टिल्स भी दिखाए गए हैं ट्रेलर में. तो वही फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस दिशा पटानी है एक एयर होस्ट्रेस, जिसकी प्लेन को सिड हाईजैक करते हैं. ट्रेलर देख के तो यही लगता है कि सिड ने प्लेन को हाईजैक किया है, लेकिन ये क्लियरली नहीं बताया गया. ऐसे में कहानी में शायद ये एक ट्विस्ट पॉइंट हो सकता है. अगर रही बात एक्शन सीक्वेंसेस की, तो एज एन आर्मी ऑफिसर सिड की एक्शन काफी बेहतरीन है.
इनफैक्ट ट्रेलर के फर्स्ट हाफ में कुछ अमेजिंग एक्शन स्टंट्स दिखाए गए हैं जिन्होंने फिल्म की हाइप बढ़ा दी है। फिल्म 15 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी। दो पत्ती का टीजर हुआ रिलीज। काजोल एंड कृति स्टारर थ्रिलर दो पत्ती का टीजर आज रिलीज किया मेकर्स ने। इस फिल्म में काजोल एक कॉप का रोल निभा रही है जिन्हें कृति को इन्वेस्टिगेट करना है। टीजर तो थ्रिलिंग है, ऐसे में देखना होगा कि रिलीज डेट कब अनाउंस करते हैं मेकर्स। एसआरके और सुहाना की अपकमिंग मूवी किंग है इंस्पायर्ड इस हॉलीवुड फिल्म से। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरके है ऑल प्रेप्ड अपनी अपकमिंग मूवी में बेटी सुहाना के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने के लिए। ये दोनों अब नजर आने वाले हैं सुजॉय घोष द्वारा डायरेक्टेड किंग में, जो रिपोर्टेडली हॉलीवुड फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से इंस्पायर्ड है। मर्डर मुबारक रिलीज डेट। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मल्टी स्टारर थ्रिलर मर्डर मुबारक की रिलीज डेट अनाउंस की गई आज कुछ इंटरेस्टिंग पोस्टर्स के साथ। करिश्मा कपूर, सारा अली खान, विजय वर्मा एंड पंकज त्रिपाठी स्टारर ये फिल्म रिलीज होने वाली है मार्च 15 को नेटफ्लिक्स पे। फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स की कास्ट को ज्वाइन किया रणबीर कपूर के परिवार के इस सदस्य ने। द वाइफ्स आर बैक बट विद सम न्यू एडिशंस दिस टाइम। महीप, सीमा, नीलम और भावना स्टारर रियलिटी शो फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स की थर्ड सीजन अनाउंस की गई आज कुछ नए वाइफ्स के साथ। फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स की थर्ड सीजन की पोस्टर आज अनवील की नेटफ्लिक्स वालों ने और इस शो में ऐड हुई है नन अदर देन रणबीर कपूर की सिस्टर रिद्धिमा कपूर। रिद्धिमा दिल्ली में रहती है और एक ज्वेलरी डिजाइनर है, ऐसे में उनका इस शो में एडिशन देख के ऑडियंस काफी एक्साइट हो गए हैं। इनके अलावा एंटरप्रेन्योर्स शालिनी पासी एंड सहा चावला भी इस सीजन के नए एडिशंस हैं। पोस्टर में तो सारी वाइफ्स अपने रॉयल एलिमेंट में नजर आ रही है। इस पोस्टर को रिलीज करते हुए नेटफ्लिक्स वालों ने लिखा द मोर द मेसियर। रिपोर्टेडली इस सीजन में हमें दिल्ली वर्सेस बॉम्बे देखने को मिलेगा, जहां हमारे साउथ बॉम्बे वाइफ्स का सामना होने वाला है दिल्ली की पॉपुलर सोशलाइट्स रिद्धिमा, सहा एंड शालिनी के साथ। ऑल्दो इस पोस्टर रिलीज के बाद सभी बस एक ही बात पर क्यूरियस है कि क्या रणबीर कपूर इस शो में अपीयरेंस देंगे या नहीं। जब पोस्टर ने ही इतना तहलका मचा दिया, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शो भी काफी रोमांचक होने वाला है। आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 ने वीक वन के खत्म होते ही की है 33.42 करोड़ की कलेक्शंस। आज अभी तक डे 7 पे फिल्म ने कलेक्ट किए 0.82 करोड़ और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने कलेक्ट की 45 करोड़। इस इंडियन फिल्म की बनने वाली है हॉलीवुड रीमेक। प्रोडक्शन हाउस पैनोरामा स्टूडियोज ने आज अनाउंस किया कि वो टीम अप कर रहे हैं गल्फ स्ट्रीम पिक्चर्स और जोट फिल्म्स के साथ दृश्यम 1 और 2 की हॉलीवुड रीमेक के लिए। रिपोर्टेडली फिल्म की स्पैनिश और कोरियन रीमेक्स की बातें भी चल रही है। क्रैक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। विद्युत जामवाल स्टारर क्रैक फीकी पड़ गई है बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड कमाई है सिर्फ 15 करोड़ और आज अभी तक डे 7 पर फिल्म ने कलेक्ट किए 0.34 करोड़, जिससे फिल्म की टोटल कलेक्शंस पहुंची 11.94 करोड़ पर। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।